अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। सब्ज़ धनिया और आलू रेसिपी कैसे बनाई जाती है और बहुत ही मज़े की बनती है ये। चलिए करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है और इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने 1.5 कुकिंग ऑयल चम्मच लिया है। यहाँ भी मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, इनको धोकर काट लिया, चॉप कर लिया। ये इसमें शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम फ्राई करेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं 3, ये काट ली हैं, धोकर ये इसमें शामिल करेंगे। जो टमाटर लिए मीडियम साइज के, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये मैंने सब्ज़ लहसुन लिया था, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसके लिए 3 से 4 मिनट के लिए बस हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये टमाटर और सब्जी तो मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला भुनकर तैयार है। अब इसमें अच्छा, मसाला को भुनते हुए 2-3, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें मसाला हमारा भुनकर तैयार है। अब इसमें मैंने 1/2 किलो आलू लिए, ये शामिल कर दूंगी। और ये 2 गुटलियाँ मैंने सब्ज़ धनिया के लिए थी, ये इसमें शामिल कर लूँगी। अब लोग लेते हैं, हम इसको 10 मिनट के लिए ढांक कर पकाएंगे ताकि ये आलू गल जाए और अच्छे से पक जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।